ट एन वन नंबर ऑफ टर्स थर्टी ए वन एरिया थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर स्क्र एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी वन से रिप्रेजेंट की गई है, है इसकी वैल्यू है जीरो पॉइंट टू फाइव टेस्ला इसी तरह एम टू मीटर के लिए मेरे पास डाटा दिया हुआ है आर टू की वैल्यू फोर्टीन ओम नंबर ऑफ टन एन टू से रिप्रेजेंट किया हुआ है फोर्टी टू एंड एरिया हमारे पास दिया है टू माइनस थ्री मीटर स्केयर एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है जीरो पॉइंट फाइव जीरो टेस्ला एंड हमें एक कंडीशन भी दी हुई है द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर द टू मीटर्स तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट K1 हम मान लेते हैं M1 मीटर के लिए और K2 मान लेते हैं M2 मीटर के लिए ये इक्वल है सो K1 वन इज इक्वल टू के तो ये आ गई हमारी कंडीशन तो हमें फाइंड क्या करना है डिटरमाइन द रेशो ऑफ फर्स्ट पार्ट में करंट सेंसिटिविटी एंड बी पार्ट में वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ एम एंड एम तो अब हमें रेशियो फाइंड करनी है करंट सेंसिटिव की एम टू ओवर एम वन एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी की ऑफ एम टू ओवर एम वन तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वट इज़ द करंट सेंसिटिविटी सो करंट सेंसिटिविटी डिफाइन होती है हमारे पास डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट तो हम इसे ऐसे लिखते हैं फाइ डिफ्लेक्शन ओवर करंट इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के तो हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट लाइक इसे लिख लेते हैं करंट सेंसिटिविटी सो इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के सो यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करने को कहा गया है करंट सेंसिटिविटी की न ऑर्डर ऑफ एम टू ओवर एम वन सो आई टू एस करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर टू डिवाइडेड बाई करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर वन इज इक्वल टू अब सेकेंड है तो एन टू बी टू ए टू अपॉन के टू डिवाइडेड बाई एन वन बी वन ए वन अपॉन के वन अकॉर्डिंग टू कंडीशन माई के वन इज इक्वल टू के टू सो ये सिंपली कट हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा करंट सेंसिटिविटी ऑफ टू अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ वन इज इक्वल टू एन टू बी टू ए टू अपॉन एन वन बी वन एंड ए वन तो अब यहाँ पर हमें सिंपल वैल्यूज सब्सिट्यूट करनी है क्योंकि ऑल द वैल्यूज हमें क्वेश्चन में ही गिवन है सो so, हमारे पास आई टू एस अपॉन आई वन एस इज इक्वल टू एन टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है फोर्टी टू इंटू बी टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है वैल्यू वन पॉइंट एट इंटू टेन एस टू पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एन वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है थर्टी बी वन की वैल्यू जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू ए वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थ्री तो सही हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले टेन रेज टू पावर माइनस थ्री टेन रेज टू पावर माइनस थ्री ये कट हो गए नेक्स्ट अब वन पॉइंट एट है नीचे पॉइंट थ्री सिक्स है तो अब इसमें ऐसे काटूँ तो नीचे रह जाएगा टू नेक्स्ट अब मैं पॉइंट फाइव ज़ीरो को डिवाइड करूँ पॉइंट टू फाइव से तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ऊपर टू तो ये टू से ये टू कैंसिल हो गया तो अब मेरे पास यहाँ फोर्टी टू है यहाँ पे थर्टी तो ये दोनों ही तीन के टेबल पे आते हैं सो so, इसे हम सॉल्व करें सो थ्री के टेबल पे थर्टी आएगा तो टेन और थ्री के टेबल पे फोर्टी टू आएगा फोर्टीन पे सो so, हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी इज इन द फॉर्म ऑफ फोर्टीन ओवर टेन तो इसे तो फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा वन पॉइंट फोर तो रेशियो है इसके लिए इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं आएंगी जो हमारी करंट सेंसिटिविटी रेशियोस है वो हमारे पास आ जाएगी वन पॉइंट फोर सो दिस इज आवर फर्स्ट

इज़ इक्वल टू एन बी ए अपॉन के इन टू आर तो यहाँ से अगर आप मैच करें जो हमारी करंट सेंसिटिविटी है लाइक एन बी ए ओवर के तो ये यह यहाँ से ही आ जाएगी ये क्या बन जाएगा हमारे पास करंट सेंसिटिविटी तो इसे मैं फर्दर क्या कह सकता हूँ वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगी करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई इट्स रजिस्टेंस सो so, हम अभी रेशियो फाइंड करनी है तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं लाइक वी टू एस अपॉन वी वन एस सो ये क्या आ जाएगा आई टू एस अपॉन आर टू डिवाइडेड बाई आई वन एस अपॉन डिवाइडेड बाई आर वन तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आई टू एस डिवाइडेड बाई आई वन एस इन टू आर वन ओवर आर टू सिंप्लीफाई करने पर so, भी मालूम है वैल्यू सीधी आ जाएगी वन पॉइंट फोर इन टू आर वन की वैल्यू हमें मालूम है इन टेन और आर वन की वैल्यू हमें मालूम है फोर्टीन तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं अगर यहां से पॉइंट उड़ाऊं तो इसे टेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये फोर्टीन हो जाएगा और अगर टेन से मल्टीप्लाई किया तो टेन से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सो so, टेन से टेन ये कैंसिल और ये फोर्टीन बन गया था सो so, फोर्टीन से ये कैंसिल तो यहाँ पे हमारे पास तो रेशियो क्या आ जाएगी वन सो वी टू एस ओवर वी वन एस इसकी वैल्यू कितनी आएगी कि हमारे पास वन सो दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट जो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशियो है वो आ रही है हमारे पास वन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो